चलिए अभी एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अरेंज करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिक स्ट्रेंथ और एसिडिटी, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर वन में क्या, दिस इज ब्यूटेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एंड दिस इज व्हाट डाइट, टू मिथाइल प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है ना। तो ये इनको चारों को एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर टू में दिस इज व्हाट डाइट, क्लोरो एसिटिक एसिड यूज आएगा, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड। यहाँ पे कार्बन पे तीन क्लोरीन लगे, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से बाई चांस दिख ना रहा हो तो। सो दिस इज क्लोरो एसिटिक एसिड, दिस इज ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ये डाई क्लोरो एसिटिक एसिड है, एंड देन इट इज एसिटिक एसिड, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या, इट इज ब्यूटेनोइक एसिड है चारों में। इसमें कार्बन नंबर दो पर ब्रोमीन, इसमें कार्बन नंबर दो पर NO2, इसमें कार्बन नंबर तीन पर ब्रोमीन, और इसमें कार्बन नंबर चार पर ब्रोमीन लगा हुआ है, ठीक है। फिर इसके बाद फोर्थ वाले में ये क्या, इट इज COOH, COOH। उसके बाद फिर क्या, इट इज ये CH2, CH2, और दोनों टर्मिनल पर एक एक COOH। देन इट इज अगला क्या है, CH2, और इधर COOH, और इस पर फिर से COOH, है ना। एंड देन इट इज CH2, 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 तीन CH2 हैं और दोनों टर्मिनल पर क्या है, दैट इज एक-एक COOH है, ठीक है। इनको आपको अरेंज करना है एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। फिर उसके बाद एक कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं है ना, बट इंडक्टिव इफेक्ट वाली फंडा लगेगा ना, वाटर, अल्कोहल एंड फिनॉल, इनको एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है। फंडामेंटल वही लगाना है जो अपन ने सीखा हुआ है। फिर क्वेश्चन नंबर सिक्स में ये क्या, दिस इज 1, 2, 3, 4, इट इज ब्यूटायरिक एसिड, दिस इज आइसो ब्यूटायरिक एसिड, ये क्या है, दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, और ये क्या हो जाएगा, इट इज 1, 2, 3, 4, इट इज ब्यूट 3-in-1-ओइक एसिड, ठीक है। इन सबको भी आपको अरेंज करना है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर में, ठीक है। इसके बाद फिर कार्बोक्सिलिक एसिड में इट इज 1, 2, 3, 4, है ना, इट इज ब्यूटेनोइक एसिड है। फिर ये ब्यूटेनोइक एसिड में कार्बन नंबर 2 एंड 3 पर फ्लोरीन है। फिर इसमें क्या है, कार्बन नंबर 2 पर NO2 और 3 पर फ्लोरीन है, ठीक है। इसके अगले वाले में क्या है, तो बोलेंगे इट इज कार्बन नंबर 2 पर फ्लोरीन और कार्बन नंबर 3 पर NO2 है। इनको एसिडिटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। देन एट वाले में फिर से ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन, इसमें 2 पर फ्लोरीन क्लोरीन, इसमें 3 पर क्लोरीन, 4 2 पर क्लोरीन, 3 पर फ्लोरीन, ठीक है। और ये क्या, दिस इज नॉर्मल ब्यूटेनोइक एसिड है ना। इसके बाद नाइन्थ वाले में फिर से इट इज 1, 2, 3, 4 ब्यूटेनोइक एसिड है, कार्बन नंबर 2 पर CH2Cl, इसमें फिर से ब्यूटेनोइक एसिड है, कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल, 3 पर क्लोरीन। फिर इसमें वापस क्या, इट इज ब्यूटेनोइक एसिड, कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन और 3 पर मिथाइल, और इसमें थर्ड वाले कार्बन पर क्या लगा है, दैट इज CH2Cl लगा है, ठीक है। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कौन सी चीज, इट इज 1, 2, 3, 4, 5, इट इज पेंटोनिक एसिड है, कार्बन नंबर 3 पर फ्लोरीन, इसमें कार्बन नंबर 4 पर 2 फ्लोरीन है पेंटोनिक एसिड में। फिर इसके बाद कार्बन नंबर, ये पेंटोनिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन, और पेंटोनिक एसिड में कार्बन नंबर 2 पर क्लोरीन और 3 पर फ्लोरीन है ना। इनको भी एसिडिटी के ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इनको करिए आप, फिर इसके सॉल्यूशन भेजता हूँ मैं।